ये फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एडास का जो है आपको सेंसर मिल जाता है, 18 इंच के टायर्स में आपको दिए जाते हैं टॉप वेरिएंट में, 215, 55, R18 इंच के टायर जो है यहाँ पर को डुअल टोन वाले अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकली इसको जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका बैक रेस्ट आगे पीछे जो सारी चीज़ करनी है वो आप जो है इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वन टच ओपन क्लोज का सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आपके लिए किया सेल्टोस फेसलिफ्ट वेरिएंट, और ये जो है आप देख रहे हैं टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें जो है आपको मिलता है। पेट्रोल इंजन भी आता है नॉर्मल वाला, और इसके अलावा डीजल भी आता है, लेकिन अभी हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये जो है GT लाइन, मतलब कि आप जो है टॉप वेरियंट इसका अभी जो है देख रहे हैं। तो इंजन आपको जो मैंने बताया आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, इसमें आपको 115 BHP की पावर मिल जाती है और 250 NM का जो है टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फीचर्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारे फीचर्स जो है आपको इसमें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, वो सारे जो फीचर्स हैं इसके वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिस्ट बना के जो है उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके डिमेंशन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले विड्थ की अगर हम बात करें तो 1800 mm की जो है यहाँ पर आपको विड्थ देखने को मिल जाती है। लेंथ की बात करेंगे तो 4365 mm की जो है फुल लेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं हाइट की अगर हम बात करें तो 1645 mm की जो है यहाँ पर आपको हाइट मिल जाती है देखने के लिए या सेल्टोस की। उसी के अलावा अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 2610 mm का जो है यहाँ पर आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है, और 190 mm का जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। अब इसके जो है फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं कि इसमें आपको जो है क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग से, तो वीरेंद्र की इटावा में जो है ये अभी आपको 23,30,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है। ये जो है टॉप मॉडल आप देख रहे हैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, और इसके अलावा की अगर हम बात करें तो किया की जो की है वो अब काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड कर दी गई है, आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री आपको इसमें मिलती है, दोनों चाबी जो है कीलेस मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन्स की जो प्लेसिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कर दी गई है, लॉक अनलॉक। इसके अलावा इस बटन को अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो रिमोटली स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा ये जो लास्ट वाला बटन देख रहे हैं इससे जो है आप इसका बूट जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। अब इसके जो इसमें होल्ड वाला बटन है इसमें कुछ कंडीशंस हैं तभी जो है आपकी गाड़ी रिमोटली स्टार्ट होगी। आपकी गाड़ी एक तो न्यूट्रल पर होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो सीधा होना चाहिए, हैंड ब्रेक पूरी खिंची होनी चाहिए, और आपकी गाड़ी का जो AC है वो ऑन होना चाहिए। ये चार कंडीशंस अगर आपकी जो है सही हैं तो ही आप रिमोटली गाड़ी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए फ्रंट में आपको जो है यहाँ पर किया का लोगो मिल जाता है, और ये जो है फेस लिफ्ट वाली जो है ग्रिल आप देख सकते हैं, अपडेटेड ग्रिल मिल जाती है। फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एडास का जो है आपको सेंसर मिल जाता है, और दो चार पार्किंग सेंसर आपको जो है फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर हेडलाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में कनेक्टिंग DRLs मिल जाते हैं, उसके अलावा दो जो है आपको ये लो बीम के लिए और एक जो है ये हाई बीम के लिए, ये आपकी DRLs आ गई, ये आपकी सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स इसमें आ गए, और ISQ पैटर्न के जो है फॉग लैंप यहाँ पर आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको स्किड प्लेट्स जो है वो सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाती हैं। अब साइड प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं इसकी किस तरीके की देखने को मिलती है। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है JK टायर दिए जा रहे हैं, फ्रंट और रियर इसमें जो है आपको चारों टायर्स में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती हैं, बीच में किया का लोगो मिल जाता है, 5 नट का सेटअप मिल जाता है, और टायर प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं, 18 इंच के टायर इसमें आपको दिए जाते हैं टॉप वेरिएंट में, 215, 55, R18, 18 इंच के टायर जो है यहाँ पर आपको डुअल टोन वाले अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टर्न सिग्नल्स आपको जो है ORVM पे ही देखने को मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रूफ रेल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड में नहीं बट ड्राइवर साइड में जो है देखने को मिल जाता है, वो भी हम जब उस साइड जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा फ्यूल लिड आप देख सकते हैं 50 लीटर की जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको शार्पन एंटीना मिल जाता है, स्पॉयलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉपलर मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाते हैं, रियर वाइपर मिल जाता है, बीच में यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाता है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको ये टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, ब्रेक लाइट मिल जाते हैं, और रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, GT लाइन की यहाँ पर जो है आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ये आपका टोइंग आ गया, और डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें आपको जो है देखने को मिलता है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, और चार रियर में जो है आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और, इसमें ORVM में आपको 360 डिग्री व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखा देते हैं,
तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड में। ये कुछ इस तरीके का जो है डोर पैनल मिल जाता है डुअल टोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच का जो है यूज़ किया गया है, सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ पर मिल जाता है आपको। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको जो है ORVM देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर Bose का जो है म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स जो है आपको स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही, HTE वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक एंड लॉक बटन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। Bose की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से जो है आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लिड का लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ से जो है आप इसका बोनट ओपन कर सकते हैं। ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकली इसको जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बैक रेस्ट, आगे पीछे जो सारी चीज़ें करनी है वो आप जो है इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा अब इंटीरियर दिखाते हैं आपको जो है इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, एक बार ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो है बड़ा सा दिया गया है। एक ही सिंगल पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा वो है बस, लेकिन है एक ही सिंगल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है डिजिटल आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। किया की बैजिंग मिल जाती है बीच में। राइट साइड में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो है लोगो यहाँ पर बना हुआ है। लेन असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं, स्टार कॉल और ये सारे कनेक्ट्स, सारे जो फीचर्स हैं इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और अब देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये आपका ऑटोमेटिक गियर लीवर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके सारे मोड्स आ जाते हैं। यहाँ से आप वेंटिलेशन फ्रंट सीट्स का ऑन ऑफ कर सकते हैं, शिफ्ट लॉक रिलीज, ये सारे फंक्शन आपको जो यहाँ पर मिल जाते हैं। 360 डिग्री व्यू कैमरा जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको ओपन करेंगे एरिया को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड मिल जाता है। फीचर्स जो है ये सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडेबल नहीं मिलता है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको इसमें लॉक मिल जाता है। तो स्पेस आप देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करें ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पर आपको जो है ठीक ठाक स्पेस जो है ग्लव बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है। और डैशबोर्ड आप देख सकते हैं पूरा जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर का जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप इसको जो है टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ पर जो है काफ़ी प्रीमियम साइड पे रखे गए हैं। ड्राइवर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको प्लेन सनवाइजर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको SOS वार्निंग के साथ ऑटोमेटिक IRVM देखने को मिल जाता है। LED में आपको केबिन लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बड़ा सा आपको जो है सनरूफ देखने को मिल जाता है। ऑल सीट बेल्ट्स की आपको जो है इसमें वार्निंग भी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं सॉफ्ट फोल्ड वाले मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड में आपको नहीं मिलता, पीछे की तरफ जो है वो भी आपको सॉफ्ट फोल्ड वाले ही ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। अब रियर में चलते हैं, देखते हैं आपको रियर में जो है क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीट बेल्ट है उनकी हाइट जो है यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रीमियम फीचर है। सनरूफ आप देख सकते हैं, इसको जो है क्लोज कर देते हैं। वन टच ओपन क्लोज का सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब रियर सीट पे चलते हैं और देखते हैं आपको जो है रियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो रियर में आपको ये सनशेड्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको जो है आप उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं वापस। तो ये जो है फीचर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, सॉफ्ट फैब्रिक का टच मिल जाता है, पावर विंडो का बटन मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, Bose के स्पीकर मिल जाते हैं, और कुछ स्पेस यहाँ पर आपको जो है डोर में डोर पॉकेट में देखने को मिल जाता है। इसका प्लेट्स आपको जो है सेल्टोस यहाँ पर जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब स्पेस की अगर हम बात करें तो देखिए 6 फीट के हिसाब से मैंने जो है हाइट को इसको एडजस्ट किया था, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे कर दिया था, बट आप देख सकते हैं स्पेस जो है इसमें ठीक ठाक बचा हुआ है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों ड्राइवर को, ड्राइवर के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं रियर में भी आपको जो है तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं उसमें, और 60-40 का स्प्लिट जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रियर सीट के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको केबिन लैंप जो है LED में देखने को मिल जाती हैं।
ब्लैक इंटीरियर, इस वजह से थोड़ा सा जो है आप देख कह सकते हैं थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, बट स्पेस के मामले में कोई कमी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट एयर प्यूरीफायर आपको जो है देखने को मिल जाता है, और एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और कुछ स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बीच में छोटा सा हम्प देखने को मिल जाता है। तो फीचर जो है काफ़ी अच्छे हैं, स्पेस के मामले में भी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अब एक चीज़ जो है रह गई थी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बूट स्पेस आपको दिखाना भूल गए थे, तो इसमें आपको 433 लीटर का जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है, बूट लैंप मिल जाती है, और स्पेयर व्हील जो है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। स्टील व्हील आपको जो है यहाँ पर स्पेयर व्हील ऐसा दिया जाता है। तो ये था हमारा भाई किया सेल्टोस GT Line टॉप वेरिएंट का रिव्यू। होपफुली आपको जो है ये रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। और एक बार आपको और याद दिला देता हूँ कि अभी हम खड़े हुए हैं वीरेंद्र किया इटावा पर। इसका एड्रेस जो है आपको शोरूम, इसका एड्रेस जो है शोरूम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।